बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ वज़ीर अज़हर मेहंदी, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के जो पहले 6 आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के, वो आपको समझाऊंगा एक फार्मूले के तहत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो 6 आर्टिकल्स हैं आइन के, वो क्या क्या हैं। तो उसमें सबसे पहला है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। पहला तो ये हो गया, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक है, और उसके टेरिटरीज़ को वाज़े किया है पहले आर्टिकल में। आर्टिकल नंबर 2 में ये कहा गया है कि इस्लाम इस स्टेट का, पाकिस्तान का रिलीजन होगा। और तीसरा जो आर्टिकल है वो कहता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी इस्तेहसाली के बिल्कुल का खात्मा, यानी हर इंसान को जो पाकिस्तान, यानी हर बंदा जो पाकिस्तान का शहरी हो, वो उसके इस्तेहसाली से रोका जाएगा, उसको हर फैसिलिटीज़, बेसिक राइट्स दिए जाएंगे। और चौथा जो है वो है रूल ऑफ लॉ, ये हो गया चौथा, यानी कानून की हुक्मरानी होगी हर जगह पर। और पांचवा है लॉयलिटी टू स्टेट, स्टेट से लॉयलिटी उस ज़रूरी है उस हर शहरी के लिए। और जो छठा है वो है हाई ट्रेजन यानी गद्दारी, यानी अगर कोई शख्स आइन को तोड़ेगा पाकिस्तान के, तो वो गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा। तो आज मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि आप इन 6 को किस तरह याद रखेंगे। तो इसके लिए जो सबसे आसान, मैंने एक फार्मूला बनाया है, आपने सिर्फ इस जुमले को याद रखना है। जुमला कुछ इस तरह है कि एक इस्लामी रिपब्लिक मुआशरे में होनी चाहिए। भाई सबको पता है कि इस्लामिक रिपब्लिक मुआशरे में क्या होनी चाहिए, खातिमा इस्तेहसाली, कानून की हुक्मरानी, वफादारी, और इसका जो अपोजिट है वो है गद्दारी, और ना इसमें गद्दारी। ये जुमला याद रखें, आपको नज़र भी आ रहा है, देखें दोबारा मैं बता रहा हूँ। एक इस्लामी रिपब्लिक मुआशरे में होनी चाहिए खातिमा इस्तेहसाली, कानून की हुक्मरानी, वफादारी और गद्दारी। अगर फ़र्ज़ करें आप ये जो हैं, क्या कहते हैं, खातिमा इस्तेहसाली और कानून की हुक्मरानी, इन दोनों की जगह रिप्लेस नहीं करनी आपने। इसको याद रखने के लिए देखें, खातिमा खे से आ रहे हैं, कानून काफ़ से आ रहे हैं, तो खे पहले आता है, काफ़ पहले आता है, तो अब खे उर्दू में खे पहले आता है, उसके बाद काफ़ आएगा, कानून देखें, और उसके बाद वाव आएगी, यानी वफादारी, और वफादारी का अपोजिट है गद्दारी हो गया। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला याद होगा। अगर आपको ये याद हुआ है तो अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। आपने इस तरह याद रखना है, देखें कि आपने ये करें कि इस्लामिक रिपब्लिक से आप याद रखें, पहला आर्टिकल हो गया, ठीक है, रेड कलर में नज़र आ रहा है, द रिपब्लिक हो गया, इसमें कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक होगी। दूसरा रिपब्लिक मुआशरा, इसको याद, इससे है इस्लाम, ठीक हो गया, ये फिर यानी पहले इस्लामी रिपब्लिक से आपने पहले और दूसरे दोनों को याद रखना है। तीसरा खातमा इस्तेहसाली, जो रेड में नज़र आ रहा है वो शो कर रहा है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा आर्टिकल हो गया। कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, यानी ये चौथे को शो कर रहा है। वफादारी यानी लॉयलिटी टू स्टेट, ये पांचों को शो कर रहे हैं। और आखिर में जो गद्दारी है वो है हाइट्रेजन को शो कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये याद होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।